बच गया सिर्फ और सिर्फ ये वाला। मतलब तो अभी तक जो मैंने सेटिंग अरेंजमेंट किया है, जो मैंने शेड्यूलिंग की है वो सही है। मुझे बोलता है राजनाथ गोज बिफोर अखिलेश और राहुल गोज इन अ मंथ आफ्टर अखिलेश। राहुल जो है वो यहाँ कहीं होगा और राजनाथ जो है वो यहाँ कहीं होगा। हम राहुल को यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज उसने मुझे ये नहीं बोला कि इमीडिएटली आफ्टर अखिलेश जा रहा है। यहाँ हम राजनाथ को यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज मुझे ये नहीं बोला गया कि राजनाथ जो है वो उसके इमीडिएटली बिफोर जा रहा है। अगले आगे स्टेटमेंट्स पे चलो। ऊपर जो स्टेटमेंट्स थी, अब देखो रवि गोज फॉर वेकेशन इमीडिएटली बिफोर राहुल, इसका मतलब क्या है? अगर ये राहुल है तो ये रवि होगा बिकॉज उसने मुझे बोला इमीडिएटली बट नॉट इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। अब देखो 31 डेज में नहीं जा सकता तो रवि यहां से जा सकता था। क्या रवि यहां पे जा सकता था? नहीं जा सकता था बिकॉज इसमें 31 डेज थे। और आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे राहुल और रवि को कहां बिठाना है? इन दोनों को जहां भी बिठाऊंगी इकट्ठे ही बिठाऊंगी, इकट्ठे ही बिठाना पड़ेगा। तो या तो यहां पर, या तो यहां पर। अगर मैं यहां पर बिठाती हूं तो रवि जो था वो 31 डेज के आगे आता जो कि नहीं आ सकता। मतलब रवि को यहां बैठना पड़ेगा। जब रवि को यहां बैठना पड़ेगा तो मेरा राहुल कहां आएगा? मेरा राहुल आएगा यहां, क्योंकि मोदी के नीचे भी सिर्फ एक ही अरेंजमेंट, एक ही वोकेशन खाली है और यहां पे भी एक ही वोकेशन खाली है। अब अपने बाकी के स्टेटमेंट्स पे चलो। आगे उसने मुझे ऊपर बोला था दैट मोदी डज नॉट वाली हमने कर ली, ओनली 3% गो फॉर वोकेशन इन बिटवीन राजनाथ एंड राम। राजनाथ और राम के बीच में कितने लोग होने चाहिए? एक, दो और तीन लोग होने चाहिए। अगर मैं राम को यहाँ बिठाती हूँ, राम को यहाँ बिठाती हूँ तो राजनाथ यहाँ नहीं आ सकता, मतलब राम यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं राम को यहाँ बिठाती हूँ तो मेरा राजनाथ कहाँ आएगा? मेरा राजनाथ जो है वो यहाँ आएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी वैकेंसी जो थी वो नहीं थी। अगर मैं राजनाथ को यहाँ बिठाती तो फिर राम को कहाँ बिठाती? ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट है अरुण गोज आफ्टर राम। तो राम अगर यहाँ बैठा है तो अरुण कहाँ होगा? अरुण होगा यहाँ। मेरे पास एक ही लेफ्ट ओवर स्पेस बची जहां पे कौन आएगा? कन्हैया। जहां पे कौन आएगा वहां पर आएगा कन्हैया। और इस तरह मेरा जो पूरा अरेंजमेंट था वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है मोदी गोज फॉर अ वेकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो मोदी किस मंथ में गया है? मोदी गया है सितंबर में। तो मेरे क्वेश्चन वन का आंसर क्या रहेगा? मेरे क्वेश्चन वन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पर्संस गो फॉर वेकेशन इन बिटवीन राजनाथ एंड अरुण। राजनाथ यहाँ है, अरुण यहाँ है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है मेरा 5 विच इज माय ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग गो फॉर वेकेशन इन मे। मई में कौन गया है? अखिलेश। तो जो मेरा ऑप्शन कौन सा है? मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे टू फॉर्म अ ग्रुप व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब तो बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। ऑप्शंस क्या है मेरे? अरुण, अखिलेश, मोदी, राहुल, राम। अरुण कहां है? यहां। अक्टूबर में जा रहा है। नेक्स्ट है मेरा अखिलेश, मई में जा रहा है। मोदी सेप्टेम्बर में जा रहा है। राहुल जुलाई में जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? राम अगस्त में जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक मोदी ही है जो 30 डेज वाले मंथ में जा रहा है, बाकी चारों के चारों कितने मंथ, कितने डेज वाले मंथ में जा रहे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो मेरे क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? मेरे क्वेश्चन 4 का आंसर होगा मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग गो फॉर वेकेशन इन जून। जून में वेकेशन पे कौन जा रहा है? तो जून में वेकेशन पे जा रहा है रवि। रवि तो मेरा ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा है? मेरा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये थी हमारी आज की शेड्यूलिंग पजल। आपको मंथ्स दिए गए होंगे, इसमें और भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं होंगे बिकॉज बैंकिंग एसोसिएट का पेपर है तो डिफिकल्टी लेवल उन्होंने ज्यादा नहीं रखना है। बट इज गोइंग टू मैटर इज योर स्पीड विद विच यू सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो
बैठा था पी, और पी के 10 किलोमीटर साउथ में कौन बैठा था? वहां बैठा था वाई। तो यहाँ भी आके मेरा डायरेक्शन सेंस जो था वो खत्म हुआ। जब कंटिन्यूटी में 4-5 सिटीज हमको दे दी, तो हमने क्या किया, हमने लास्ट से उस सिटी को स्टार्ट किया, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कौन सा मैंने सिटी बना ली थी, बी सिटी जो है वो मैंने बना ली थी। तो क्वेश्चन तेरा फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी टी एंड सिटी आर? कहा रही है मेरी सिटी टी रही, ये मेरी आर रही। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना था, टोटल मेरा 10 था, ये 5 था, तो ये कितना होगा, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 5 किलोमीटर।
CIZ, मुझे statements के through कोई भी relation नहीं मिला। अगर possibility की बात होती तो मैं इसको ठीक करती, but definitely उसने पूछा है कि कुछ CZ है ही है, तो वो तो नहीं है, मेरे को diagram से पता चल रहा है, तो मेरा first जो है वो गलत हुआ। Second conclusion पे देखो, no Y is a Z, कोई YZ नहीं है, again गलत, मुझे सामने दिख रहा है कि कुछ YZ तो है, तो मेरा second conclusion भी गलत हुआ। फिर third conclusion है some CRY, some CRX, possibility का केस होता तो मैं बता सकती थी कि हाँ शायद हो जाए, but definitely पूछा उसने, definite conclusion है, तो again कोई भी C ऐसा नहीं है जो X पे गया हुआ है, इसलिए मेरा third conclusion भी गलत, तो मेरा answer क्या होगा? None follows, ठीक है? None follows। Next question पे चलो, जो आप सबकी screen पे है, blood relation का question है। A is the father of D. Again, plus मैंने इसलिए लगाया because वो male था। अगर आप कोई और notation करते हो male and female के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। A is the father of D. Who is the brother of F? तो D जो है, वो किसका brother है? F का। D is brother of F से मुझे D का gender पता चला, F का gender पता नहीं चला। Keep that in mind. E is the husband of H. E और H मुझे नहीं पता अभी तक। F is the sister of whom? F is the sister of E. तो F जो है वो sister हो गई, तो मैंने minus लगा दिया। B is the son of D. B जो है वो D का son है, तो D का son आ गया। And husband of C. C का husband है, अगर B husband है तो C obviously उसकी wife होगी। और मुझे क्या बताया था? That E is the husband of whom? E is the husband of H. तो husband हो गया तो ये plus हो गया, और H क्या हो गया? Minus हो गया, उसकी wife हो गई। तो ये बन गया मेरा blood relation। अब मुझे first question पूछा है, who is the grandson of A? तो A का grandson कौन है? A का grandson कौन होगा? B। तो question का answer क्या होगा? B, which is my option number 5। Next question है, how is H related to F? F और E जो थे वो भाई बहन थे। भाई की wife जो होती है वो क्या लगती है? वो लगती है sister in law, चाहे वो भाभी हो चाहे वो साली हो। तो F जो है, F E की sister थी, तो H जो है उसका F से क्या connection होगा? Sister in law, okay? Next question है, how is E related to B? How is E related to B? तो B जो था वो D का बेटा था, and E जो और D जो है वो siblings हैं। E और D जो है वो brothers हैं, तो D का बेटा E के लिए क्या होगा? Nephew। मुझे पूछा क्या है? E का relation B से क्या है? तो मुझे nephew नहीं लिखना, because B nephew है, E क्या है? Uncle। E क्या है? Uncle। तो ये थे मेरे questions आज के। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एक puzzle पढ़ा, दूसरा हमने syllogism पढ़ा, तीसरा हमने direction sense पढ़ा, चौथा हमने blood relation के